साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक तरफ उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन की बातें कर रहे थे, सपने सजो रहे थे, वहीं राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे दिया और नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा अपडेट, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले मनसे चीफ राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और ये बात खुद बीजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। जी हां, गुड़ी पड़वा के मौके पर महायुति को गुड न्यूज देने के लिए राज ठाकरे ने हामी भर दिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे पीएम नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देगी और इसका ऐलान खुद राज ठाकरे ने कर दिया है। हालांकि राज ठाकरे की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बड़ा बयान दिया और कहा कि राज ठाकरे ने पीएम मोदी को समर्थन देने की बात कही है, समर्थन देने का वादा किया है। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने 2014 का वो किस्सा भी सुनाया और कहा कि राज ठाकरे 2014 में नरेंद्र मोदी को समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे और सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें पीएम बनाना चाहिए और इस बार भी राज ठाकरे पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसका अनाउंसमेंट भी वो बहुत जल्दी कर देंगे, ऐसा कहना देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में विकास नए भारत के निर्माण को देखकर राज ठाकरे आश्वस्त है कि नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को ही भारत का फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्रवाद से प्रेरित है, हिंदुत्व से प्रेरित है और राज ठाकरे के अंदर भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व कूट कूट कर भरा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवाजी पार्क में भले ही राज ठाकरे के अभी तक अनाउंसमेंट खबर नहीं आई है, लेकिन वो हमें पीठ पीछे पर्दे के पीछे वो कह चुके हैं कि पीएम मोदी को ही उनका पूरा समर्थन है। मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि उन्होंने हाल ही के दिनों में राज ठाकरे के साथ कई बार चर्चा की है। 2014 में वो मोदी को समर्थन देने वाले पहले व्यक्ति थे, बाद में भले ही वो चले गए और कुछ समय के लिए हमसे नाराज हो गए, लेकिन अब वो फिर से हमारे साथ आ गए हैं क्योंकि हाल ही के सालों में उन्होंने हिंदुत्व को अपना एजेंडा बनाया है और हमारा एजेंडा भी सबसे बड़ा हिंदुत्व है, इसलिए हम दोनों एक बार फिर से साथ आ गए हैं। यहाँ पर फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे ने पिछले दिनों दिल्ली में अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ अमित शाह से मुलाकात की थी, तब उन्होंने एनडीए का हिस्सा बनने की बात कही थी और अब वो इस बात को सच भी साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि उनका पूरा समर्थन पीएम मोदी के लिए है, पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने को लेकर है। हालांकि आपको यहां पर अंदर की बात बता दें कि राज ठाकरे जहां पर बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी के कुछ नेता सहज नहीं दिख रहे हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं को चिंता है कि मनसे ने भूमि पुत्र और मराठी समर्थक रुख अपनाते हुए अतीत में उत्तर भारतीयों पर स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनने का आरोप लगाया था, कहीं राज ठाकरे अपनी उसी राजनीति पर फिर से उतर ना आए और ये बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी के कुछ नेता राज ठाकरे का बीजेपी में आने का पूरी तरह विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि लेकिन फडणवीस ने कहा है कि हमने अपने नेताओं से बात की है और सारी चीजें पटरी पर आ गई है और इसीलिए राज ठाकरे का हम खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ तो उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि वो अपने भाई को अपने साथ लाएंगे पहले लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा चुनाव में, दोनों भाई मिलकर बाला साहब ठाकरे की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, चुनावों में उतरेंगे और ठाकरे शब्द का किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन यहां पर सब कुछ उलट नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या फडणवीस ने बिल्कुल सही कहा है, क्या वाकई में राज ठाकरे को पीएम मोदी को समर्थन दे देना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार चुनावी रैलियों में जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अब इस दौरान फडणवीस पुणे जिले में पहुंचे और वहां पर कई जगह पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान फडणवीस ने सीधा हमला बोला कि उद्धव ठाकरे राजनीति के लिए बने ही नहीं है। फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी के शौकीन रहे हैं, एसी कमरों में सोने की और एसी गाड़ियों में चलने के आदि रहे हैं, इसीलिए कड़ी धूप और उमस में चुनावों के लिए कैंपेनिंग करना उनके वश में नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा कि सुना है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे की तबीयत भी लगातार खराब हो रही है। फडणवीस ने आगे कहा कि मैं तो उद्धव ठाकरे को यही सलाह दूंगा कि जाकर आराम करो, चुनाव आपके वश के नहीं है, चुनाव हम लड़ लेंगे। यहाँ आपको बता दें कि ऐसी खबरें आई थी कि बबन राव घोलप के पार्टी छोड़ने की खबर से उद्धव ठाकरे की सेहत बिगड़ गई, उन्हें अचानक चक्कर आ गया और चक्कर आने की वजह से वो गिर भी गए, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी किया गया। खबर के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर काफी कम ज्यादा हो रहा था, इसी वजह
से उन्हें चुनावी कैंपेनिंग भी बीच में ही रोकनी पड़ी। और उद्धव ठाकरे की इसी हालत पर फडणवीस ने ये तंज कसा है और कहा है कि जाकर आराम फरमाओ, चुनाव उनके वश के नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि बारामती की लड़ाई शरद पवार और अजीत पवार के बीच है और कुछ सोचते हैं कि ये लड़ाई सुप्रिया सूले और सुनीत्रा पवार के बीच है, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि ये मुकाबला सीधे सीधे पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच है। फडणवीस ने सुप्रिया सूले को लेकर कहा कि सुप्रिया ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने जैसे मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसलों का विरोध किया था, संसद में उनके भाषणों को देखिए और फिर तय करना है कि उनके सांसद मोदी की विकास यात्रा में चलेंगे या फिर राहुल की विकास विहीन मानसिकता वाली रैली में जाएंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि इस लड़ाई से बहुत कुछ तो नहीं बदलेगा, लेकिन इससे देश के विकास में मदद जरूर मिलेगी। विपक्षी सिंपति कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मोदी को जिताना है या फिर राहुल को, इसी पर ध्यान फोकस करना है, सुप्रिया सूले या सुनीत्रा पवार पर नहीं। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ ही सुप्रिया सूले और राहुल गांधी को भी सुनाने में कोई कसर नहीं की। वहीं उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर भी बड़ा तंज कस दिया। तो क्या वाकई में राजनीति उद्धव ठाकरे के वश की नहीं है या फिर फडणवीस ने बोलने में लिमिट क्रॉस कर दी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 5 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यूं तो महाराष्ट्र में हर कोई जीत का दावा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने भी अपनी कमर कस ली है। और इस बीच महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसे लेकर टाइम्स नाउ ने एक नया सर्वे करवाया है और इस सर्वे के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 27 से 31 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस चुनाव में 4 से 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अजित पवार की एनसीपी 1 से 3 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। यानी सर्वे में दिखाया गया उसके मुताबिक बीजेपी 30 से 31 सीटें जीत सकती है, एकनाथ शिंदे 4 से 6 सीटें और अजित पवार 1 से 3 सीट। अब इस सर्वे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 0 से 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस 1 सीट भी यहां पर बेहद मुश्किल से जीत पाएगी या फिर जीत ही नहीं पाएगी। टाइम्स नाउ के सर्वे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 से 9 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे लोकसभा में अपने सबसे अच्छे और बेहतरीन प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनके हिस्से में 7 से 9 सीटें ही दिखाई दे रही है। वहीं शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 1 से 3 सीट ही जीतती नजर आ रही है और अन्य के खाते की बात करें तो अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। अब इस सर्वे से साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी 7 से 9 सीटें जीत सकती है और शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 1 से 3 सीट, यानी कि यहां पर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का हाल वाकई में बुरा है।